इतना भीड़ है और इधर से हमको अभी डाउन जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें नजारा, सिर्फ जो है बम ही चल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं किस प्रकार से बम सब सारा दिख रहा है। और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उतरूं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। देख सकते हैं काफी जो है बम यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये जो है सोमवारी को लेकर काफी भीड़ चल रहा है और हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अभी भीड़ चलेगा। पूरे रास्ते तक आप बने रहिए और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई को सपोर्ट करने के लिए स्क्रीन पे जो फोन पे नंबर है उस पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाबा वैद्यनाथ धाम से देवघर तक आपको बाबा वैद्यनाथ धाम से लेकर सुल्तानगंज तक मैं आपको लगातार वीडियो दिखाते रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए हम टंकेश्वर के पहले से चलना स्टार्ट किए हैं, पूरा हम आपको दिखाएंगे किस तरह का भीड़ चल रहा है। काफी ज्यादा जो है भीड़ चल रहा है अभी अभी आप देखेंगे ना, सिर्फ कवरिया ही कवरिया दिख रहे हैं। और सोमवार को जो है काफी ज्यादा भीड़ लगने वाला है देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम में। ये वीडियो आपको मे भी हो सकता है कि लेट से पहुंचे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है लगातार जो है यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि काफी ज्यादा भीड़ है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपने देखा होगा सुइया पहाड़ का, मैंने दिखाया है बारिश की वजह से काफी ज्यादा भीड़ था और अभी भी हम आपको दिखाएंगे। तो इधर भी जो है काफी ज्यादा भीड़ देख सकते हैं, एकदम सैलाब बन रहा है, एकदम लगातार जो है भर भर के चल रहा है। और ये चीज जो है ना आपको मंडे को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से रहेगा। और भी जो है कवरिया बम जो अभी चलने नहीं है, अभी चलने वाले हैं वो जो हम आपको दिखाने वाले हैं और सुल्तानगंज में, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे आएगा, आप देखिएगा। और जब हम सुल्तानगंज पहुंचेंगे, अभी देख सकते हैं काफी जो है भीड़ जो है चल रहे हैं। ये हमारा अभी हम लोग टंकेश्वर के पास हैं, ये टंकेश्वर कहलाता है और टंकेश्वर से हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं। और आगे हम आपको पूरा जो है, अभी थोड़ा सा लाइटिंग जो है बादल छाया हुआ है, इससे थोड़ा सा क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश किया हूँ। और हर जगह जो है शिविर लगा हुआ है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, हर जगह जो है ना आपको एकदम भीड़ ही भीड़ दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है कवरिया चल रहे हैं, और भी भीड़ जो है आपको देखने मिलेगा, जो कि रात्रि को जो चलेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। अभी तो उतना ज्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है जब चलेंगे तो आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगा। देख सकते हैं लगातार जो है बम चल रहे हैं, एकदम पूरा एकदम एक सैलाब बना हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो वीडियो एकदम दिखाऊं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं बहुत दूर तक आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पूरे रास्ते में कवरिया चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत ही दिखा रहा हूँ, हर जगह जो है ना सुविधाएं भी आपको है, दुकान वगैरह भी पूरा जो है लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा जो है बहुत बेहतर सुविधा है यहाँ पे और पूरा भीड़ लग रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं अभी कवरिया पूरा भर भर के चल रहे हैं, अभी और भी आपको दिखने वाला है यहाँ पे। चलिए पहाड़ में दिखाएंगे कि किस प्रकार से है, जो हम लोग जिलेबिया पहाड़ है वहां पे कैसा रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। एकदम यहाँ से हम दूर से देखते हैं ना, दूर से आपको ऐसा देखने में लगेगा कि पूरा जो है कवरेज चल रहा है, एकदम ड्रोन फुटेज अगर रहता तो और भी आनंद आता, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से भीड़ आप देख लीजिए, अगर ड्रोन फुटेज अगर रहता तो कुछ अलग ही मजा आता है यहाँ पे देखने का यह नजारा। ये देख सकते हैं सुल्तानगंज का तो कोई फायदा ही नहीं है हमको लगता है अभी दिखाने का, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है इतना भीड़ लग रहा है कि हमको रास्ता ही कवर करने में बहुत समय लग जाएगा। वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू है, लेकिन एक बार में ही सारा वीडियो आएगा लगातार जो है आप देख लीजिएगा, पूरा मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इतना ज्यादा हमें जो भीड़ दिख रहा है तो बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे हम लोग देखने के लिए। आगे जो हम लोग यहाँ पे क्रॉस किए, ये आगे हमारा कौवा द्वार आने वाला है, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है भीड़ जो है बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ आ रहा है, एकदम इससे भी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट सोमवार को, हो सकता है वो जो अगले बार सेकंड पार्ट में जाएगा। अभी देख सकते हैं बहुत सारे जो बम चल रहे हैं, पूरा एकदम पूरा मतलब कवरिया पद घुसता आ रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम। और जो घंटी वगैरह लगा हुआ उनकी जो आवाज जो है एक श्रवण योग हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और ये बहुत दिनों के बाद हमें इधर जो है देखने को मिला है। मैं तो इधर बहुत ज्यादा उतना कवर नहीं किया था पिछले वर्ष, इस बार जो है आप लोगों के सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लगातार जो है हर जगह मैं आपको दिखाऊं
और जो जिसकी वजह से मैं दिखा भी पा रहा हूँ आपके सहयोग की वजह से। आप लोग सहयोग कीजिएगा, जितने भी फोन पे नंबर हैं, तो मैं फिर दोबारा आपको लगातार दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं भीड़ किस प्रकार से है, पूरा जो भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है इधर, हर जगह बहुत ज्यादा भीड़ हर जगह। बहुत ही मजा आ रहा है हमें चलने में, एकदम इस पर का और भी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा। आगे चलिए ना जिलेबिया तरफ है, अभी जो बहुत सारा बम जो नहीं चल पा रहे हैं, जो धीरे धीरे है, वो सब का भी दिखाएंगे। ये सब जो बम है बहुत आगे निकल चुका है, और कल तक में सब गोड़ियारी वगैरह पहुंच जाएंगे, और परसों ये सब जल चढ़ाएंगे। अभी तो लगातार बहुत देर तक चलेंगे सारे कवरिया, और थकान भी नहीं लगता। जब टीम में चलते हैं ना, तो धीरे धीरे जो थकान भी महसूस नहीं होती है, इसलिए सारे कवरिया जो है एकदम टीम में चलने का कोशिश किया है। तो चलिए हम आपको लगातार जो है दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से है। इसलिए आपका एक बनता है कि आप लोग एक लाइक करते जाए और शेयर भी कर दें, जो आने वाले हैं उनको पता चल जाए कि अभी कितना भीड़ चल रहा है और क्या हमें आना चाहिए या नहीं, उसके अनुसार से आपको पता चलेगा। ठीक है, बोल बम बोल बम। तो ये देख सकते हैं पूरा जो बम चलना प्रारंभ किए हैं, और हम कोशिश किए हैं पूरा जो है जगह को कवर करने का। मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार बहुत जो है भीड़ है इधर, जो है कवरिया पथ में जो है ना काफी ज्यादा भीड़ है, एकदम लगातार देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ चल रहा है। बहुत मैं जितना भी तारीफ करूँ उतना ही कम पड़ जा रहा है, क्योंकि इतना भीड़ जो मैं इधर पहली बार देख रहा हूँ, कि इधर तो मैं उतना आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मतलब कि इस भीड़ में नहीं आया हूँ, ऐसे तो हम आते ही थे, तो इस भीड़ में हमें देखने मिला। और ज्यादा भीड़ रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा, और इधर किसी तरह का हमें दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए मैं और आपको ले चलता हूँ आगे। पूरा रास्ता जो है कवरिया बम एकदम भरे पड़े हुए हैं, हर जगह एकदम गेरुआ रंग से जो दिख रहा है ना, बहुत ही मजा आ रहा है। और आगे हम लोग कौवा दा जाएंगे, कौवा दा से फिर हमारा आएगा जिलेबिया, और जिलेबिया के बाद फिर हमारा उधर शिवलोक वगैरह आएगा। जितना लंबा वीडियो हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कवरिया पथ दिखा दूं। अभी जब तक अंधेरा नहीं हुआ है तब तक मैं आपको चलता रहता हूं और दिखा देता हूं। ठीक है, बस आप लोग लाइक करते जाए, और पूरा अगर मेरे साथ कोई एक रहता ना ऊपर से जो ड्रोन फुटेज टाइप का लेता तो बहुत ही मजा आ जाता देखने में। आपको दूर दूर तक जो है ना कवरिया ही दिख रहा है, खाली कवरिया ही दिख रहा है पूरे में। लेकिन मैं अकेला हूँ, फिर भी मैं आपको प्रयत्न किया हूँ कि आपको पूरा जो है दिखाते जाऊं कि कैसा है अभी कवरिया पर और कितना भीड़ चल रहा है। इसलिए प्लीज आप लोग जो है ना लाइक करते जाए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं लगातार जो है आप लोगों को लेटेस्ट जो है अपडेट जो मैं देता जाता हूँ। ठीक है, चलिए और मैं अभी चल ही रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत सारा कवरिया जो है। अभी मुझे काफी समय लग जाएगा, अंधेरा भी है बहुत हो जाएगा तो फिर वीडियो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो है लेटेस्ट वीडियो में आपको दिखाता जाऊं। बहुत सारे बारिश होने के कारण सब कवरेज और भींग भी गए हैं, और भींग गए तो उनको थोड़ा सा राहत भी मिल रहा है, चलने में भी आसान हो रहा है, तो ये होना चाहिए। तो इधर काफी ज्यादा बारिश भी हुआ लगातार, आपने देखा होगा कि सुइया पहाड़ के पास किस तरह लगातार जो बारिश हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है ना मजा आ जाता है कवरिया को चलने में। थोड़ी सी कभी कभी जो है जिसको आदत नहीं है भींग के चलने में, वो शायद थोड़ा उनको दिक्कत होगा, अदरवाइज जिसको भींग के चलने में मजा आता है तो उनको तो दिखेगा ही, बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। अब चलिए चलते हैं, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बारिश, देख सकते हैं बारिश की वजह से पानी किस तरह चल रहा है, पूरे में पानी चल रहा है हर जगह। देखिए मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको कवरिया को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार चल रहा है, और हर जगह जो शिविर वगैरह लगा हुआ है, शिविर में ये सब जो है रात्रि को ठहरेंगे, तो वो रात्रि का अलग नजारा होगा। अभी तो हम फिलहाल चल रहे हैं इधर, देख सकते हैं पूरा जो है कवरिया लगातार जो है ना चल रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत इतना ज्यादा भीड़। बाबा एक सहारा है, मेरा बाइक भी स्लिप कर रहा है, इतना जो कीचड़ हो गया है ना इस वजह से। पूरे रास्ते में देख सकते हैं कवरिया का जो भीड़ है चल रहा है एकदम,
लाइक भी करते जाएं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा आपको दिखाऊं कि कैसा है ये पूरा कवर। यह अभी हम लोग कौवादा पहुंचने वाले हैं और ये कौवादा ही बोल सकते हैं, ये जगह जो है कौवादा कहलाता है। उसके बाद जो हमारा जिलेबिया आएगा और जिलेबिया में तो बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट जगह रहता है सबका, वहां पे हर कोई कोशिश करता है रुकने का। ठीक है चलिए हम चलते हैं और आगे। लगातार मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ किस प्रकार से एकदम चल रहा है कवरिया, एकदम पूरा भीड़, एकदम सैलाब जो है ना बहुत ज्यादा ही उमड़ पड़ी है सैलाब, देख सकते हैं। कोई कोई गम तो चार चार जो है डब्बा लेके चल जा रहे हैं, कोई दो लेके जा रहे हैं, कोई तीन लेके जा रहे हैं, लेकिन पूरे में जो है कवरिया चल रहे हैं। देखिये रास्ता भी जो है ना थोड़ा सा अच्छे से ध्यान नहीं दिया ना यहाँ पे प्रशासन, इसलिए देख सकते हैं खराब भी हो गया बारिश की वजह से। इसको अच्छी तरीके से अगर लगा दिया जाता है उसका तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। देख सकते हैं एक सप्ताह के अंदर जो रास्ता जो है पूरा खराब हो गया और अभी दो महीना चलने वाला है कवरिया, तो क्या हालात होंगे तो उनका आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है तो ये देख सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पद की भी स्थिति दिखाते हुए कि पद की स्थिति कैसा होते जा रहा है। देख सकते हैं बम तो एकदम लगातार दिख रहा है हमको, पूरे पूरे में बम दिख रहा है, एकदम जितना दूर जाएंगे उतना दूर तक आपको बम ही नजर आएंगे। अगर मेरा जितना ऊपर सिर उठ जाता है उतना दूर तक हमें जो है खाली बम ही दिख रहा है, और सारा बम जो है सोमवार को जल चढ़ाने वाले, ये सोमवारी बम है सारा। तो बहुत मजा, मतलब बोल सकते हैं मजेदार है कि इतना बम जो है चल रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है, आप लोग सबको शेयर कर दें एक बार ताकि सबको पता चल जाए कि कितना भीड़ रहता है सावन में। और सावन जो है पावन महीना होता है बाबा का, और इसमें जल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है और आपके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होते हैं। इसलिए बाबा आपको, अगर आपको देखना है कि बाबा की मतलब शक्ति, तो आप देखिएगा जितना भी शिविर लगा हुआ है वो सारा एक बम थे, और उन्होंने बाबा के वजह से ही आज देख सकते हैं कितने का सेवा कर रहे हैं। ठीक है इसलिए बाबा के ऊपर भरोसा रखिए, आप हमेशा जो है आगे बढ़ते रहिएगा, कभी भी आप पीछे नहीं जाइएगा, क्योंकि बाबा ही सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो भी देंगे बाबा ही देने वाले हैं, चाहे जैसे दें। ठीक है देंगे आपको बाबा, लेकिन लोग कहेंगे आपको कि लक है, तो मतलब कि इसका किस्मत तेज है, किस्मत तेज नहीं है, देने बाबा आपको, बाबा के ऊपर आप रखे हैं इसलिए बाबा आपको दे रहे हैं, और लोगों को लगेगा कि आप लक्की आदमी हैं। चलिए और भी हम दिखाते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह का तो आपको देखने को मिल ही रहा है, और आप लोग आएंगे तो और लगता है कि ज्यादा भीड़ लगेगा। जितने कोई देख रहे हैं तो आपको पता है, लगभग इस वीडियो को कम से कम 1 लाख आदमी तक पहुंचा दीजिए, लाइक करते जाइएगा तो ज्यादा तक पहुंचेगा। आप लोग लाइक नहीं करते, जितने वॉच करते हैं उतना लाइक कर दीजिए सभी कोई, एक बार देखने से पहले ही आप लोग लाइक कर दें और शेयर भी कर दें एक बार, ताकि सबों तक पहुंचे। और कितना मुझे कष्ट होता है इस पथ पे वीडियो बनाने में, शायद आपको नहीं पता है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा पथ का अच्छे तरीके से वीडियो दिखाऊं, ना कि छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊं और क्लाइमेक्स नहीं दिखाना चाहता। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कि पूरा आप देखिए कि पथ में पूरा कैसी स्थिति है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो भी जो है काफी लंबी होती है, शॉर्ट वीडियो संभव नहीं हो पाता है मुझसे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको रियलिटी जो है वो दिखाऊं। तो देख सकते हैं पूरा जो है कवर एकदम चल ही रहे हैं, ये अभी तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये कौवादा, ये पूरा जो हम चल रहे हैं, ये जो गांव है ये कौवादा कहलाता है, और इस कौवादा में हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद यहां से जो है कौवादा एक आपको मिलेगा जिलेबिया, उसके बाद एक पुल क्रॉस करेंगे हम लोग, जिलेबिया पार करेंगे, और जिलेबिया पहाड़ में आप देखिएगा वहां पे भी जो है काफी जो है भीड़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे जो है बम अभी चल ही रहे हैं, ये देख सकते हैं बहुत मजा आ रहा है। ये कौवादा हम लोग क्रॉस कर गए और हम लोग अब जो है
जलेबिया स्टार्ट करेंगे। ये कौवा दा था, ये स्कूल के उधर जो था हम लोग कौवा दा हम लोग पार कर गए। उसके बाद हमारा आता है जलेबिया, और या फिर इसको बोल सकते हैं झरना पहाड़ भी बोला जाता है। कौवा दा के बाद जो आता है वो झरना पहाड़ भी उसको बोल सकते हैं या तो जलेबिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आ चुके हैं जलेबिया के अंदर, प्रवेश कर चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा जो है भीड़ है, और इस भीड़ में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाने का पूरा जो है एकदम भीड़ अभी भी चल रहा है। आगे तक हम आपको लेके चले गए झरना पहाड़ से, झरना पहाड़ बोल सकते हैं तो जलेबिया पहाड़ ज्यादा फेमस है जलेबिया के नाम से, और झरना पहाड़ बहुत कोई कम जानते हैं, क्योंकि वहां पे एक झरना भी बहती है। अगर शायद आप नहीं देखें तो उस आइएगा तो कभी झरना पहाड़ के पास, फिर उस झरना के पास जाइएगा, आपको वहां का जो पानी जो है एक जड़ी बूटी की तरह वर्क करता है। ठीक है, पूरा गाना बज रहा तो झूमते हुए जो है कवरिया चल रहे हैं। चलिए लगातार मैं आपको दिखाया हूँ, लगभग ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए, आपको मजा आएगा। मुझे रिकॉर्ड करने में इतना मजा आ रहा है तो आपको तो देखने में मजा आना ही चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं चलता रहूं, खाली मेरा बैटरी बैकअप देते फोन और मेरा माइक जो सही रहे, ताकि मैं बात करते जाऊं आप लोगों से और दिखाता जाऊं। तो देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे जो बम काफी भारी कावर लेके भी आते हैं और ऐसे नॉर्मल भी लेके आ रहे हैं। इतना दूर आए हैं तो मैं सुल्तानगंज भी पहुंच जाऊंगा, चले जाऊंगा, ताकि अच्छा लगे। इतना दूर तो मैं पहुंचा ही हूं। तो देख सकते हैं अभी यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं और आगे चलते हैं। ये यहां से हम लोग जलेबिया पहाड़ अब चढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी और दूरी हम लोग का यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है, उसके बाद जलेबिया पहाड़ मिलेगा, और वहां पे आपको काफी भीड़, उसके पहले भी आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कवरेज जो अभी चलना स्टार्ट भी किए हैं, जो रुके होंगे वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए हैं, वो चलेंगे। ठीक है, मेरा बैटरी भी जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम 10-15 मिनट और समय दे दे बैटरी, तो शायद मेरा जो है ये जलेबिया पहाड़ जो है पार हो जाएगा। ये काफी जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, देख सकते हैं पूरा जो है कवरेज चल ही रहे हैं, लगातार जो है चल रहे हैं, रुकने का कोई नाम नहीं, क्योंकि सबको सोमवार को जल चढ़ाना है। जितने भी रुकेंगे तो शायद सोमवार को जल नहीं चढ़ा पाएंगे, मिस कर जाएंगे, उसके बाद वहां जाके उनको काफी लंबी लाइन भी लगना पड़ेगा, और वो सोमवार को आपको देखने को मिलेगा किस तरह का लंबी लाइन होता है। और मैं आपको कल ही दिखाने वाला प्रयास करूंगा कि रात्रि से लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं रात्रि को पहुंचूंगा भी बेघर। आज तो मैं इधर ही रुकने वाला हूँ। तो ये जलेबिया यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहा है, जलेबिया जो वो जो मोड़ है वहां पे अभी भी दूरी है, मुझे लगा 1.5 किलोमीटर ही है, नहीं लेकिन काफी दूर है यहाँ पे भी अभी भी, और लगातार जो है पहाड़ से उतरते हुए आ रहे हैं सारे बम, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है चलने में, क्योंकि इतना ज्यादा बम हमको देख के तो हमको काफी खुश नजर आ रहे हैं कि चलिए कभी सुना सुना लग रहा था बाबा का मंदिर, और कल जो देख परसों जो देखने को मिलेगा, मतलब सोमवार को जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही आनंद वाला आएगा, और सारे पंडा बाबा खुश हो जाएंगे, सारे दुकानदार भी खुश हो जाएंगे कि इतने जो लाल बम आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत मजा आ रहा है चलने में भी सारे, और रास्ता जो है ना इस तरह का, सोमवार को चलेंगे इस तरह का भीड़ तो रास्ता जल्द ही खराब हो जाएगी, क्योंकि कम बम नहीं चल रहे हैं, और देखिए इधर कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं कहीं बारिश नहीं हुई है, जैसे कि सुइया में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, इधर बारिश नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी सुइया पहाड़ की स्थिति, तो सुइया पहाड़ में जो है ना काफी ज्यादा बारिश हो गया है मूसलाधार में, तो बहुत पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं डर से रिकॉर्ड किया कि मेरा माइक जो है खराब ना हो जाए, और अभी मुझे काफी वीडियो रिकॉर्ड करना है, और नहीं तो हमें दोहरा डबल मेहनत लग जाएगा, इसी वजह से मैं कोशिश किया हूँ कि थोड़ा बारिश में रुक जाता हूँ, और बारिश तो होगी आगे जो है, बारिश होने वाला है, इन सबको शायद पता नहीं है कि आगे इन सबको बारिश का सामना भी करना पड़ेगा, और हो सकता है जो कोई
पीछे भी करना पड़ा होगा, पीछे भी जो भी होंगे। अब जो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इस गांव का कुछ अलग नाम है, मतलब कि जलेबिया नहीं है, इसका कुछ और नाम है जो कि आगे साइन बोर्ड में लिखा होगा, हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो है पहाड़ जो आता है, जलेबिया पहाड़। अभी भी मतलब कि वहां से 2 किलोमीटर था, तो अभी भी हमको लंबा सफर करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर हम लोग कर लिए हैं और यहाँ पे बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, मुझे लगभग 10 की स्पीड में जा रहे हैं, कि ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो कवरिया को किसी तरह चोट ना लग जाए, इसको हमको भी काफी नजर ध्यान रखना पड़ता है। और इधर प्रशासन भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, नहीं तो गाड़ी वगैरह किसी भी गाड़ी को आने नहीं देता जितना भीड़ है, इसी वजह से। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है बहुत सारे बम उतर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा जलेबिया। अब यहाँ से हमें चढ़ना है, अब पता नहीं कैसे चढ़ पाएंगे कि नहीं, बम बहुत लगातार आ रहे हैं, थोड़ी से सहयोग अगर बम करेंगे साइड दे देंगे तो जरूर हम चढ़ जाएंगे इसमें भी। और ये जगह जो कहलाता है नीमा टाण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग नीमा टाण से चलना स्टार्ट किए और इस जगह देख सकते हैं चढ़ाव होती है। अब इसमें थोड़े से हमें सहयोग करेंगे बम सब, तो मैं अच्छे तरीके से चढ़ भी जाऊंगा। देख सकते हैं ये नीमा टाण कहलाता है और ये पहाड़ जो हमारा जलेबिया कहलाता है। चलिए मैं थोड़ी सी बोल बम बोलम मैं चढ़ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा बम जो आ भी रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हैं बहुत सारा बम एकदम लगातार जो यहाँ पे, इस तरह का भीड़ आपको देखने को नहीं मिला होगा, मैं बहुत सारा वीडियो बनाया था और हो सकता है कि और भी आपको इससे ज्यादा भीड़ मिले। अभी फिलहाल जो जितना वीडियो पीछे बनाया था उस तरह से इधर जो यहाँ का जो है उतना ज्यादा हमको भीड़ देखने को नहीं मिला था, आज हमको इतना ज्यादा भीड़ देखने को मिला है। और ये हमारा जो है जलेबिया पहाड़ है और इस पहाड़ में अभी जैसे हम नीचे डाउन जाएंगे तो डाउन में देखिएगा किस तरह का भीड़ देखने को मिलेगा सब, क्योंकि उसमें लगातार जो आपको जो है दिखेगा कि चढ़ ही रहा है सब कोई, तो उसका नज़ारा कुछ एक अलग ही होगा। और ये सब आपको नज़ारा जो हम ही दिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे काफी दुकान भी खुल चुका है, यहाँ पे बहुत सारे बम ठहरते भी हैं, रात्रि को ठहरेंगे, अगर काफी अंधेरा हो गया तो नहीं चलना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे रात्रि को ठहरते हैं। और इधर से हमको जो है नीचे उतरना है, देख रहे हैं किस प्रकार से बम है, देख सकते हैं पूरा ज्यादा एकदम काफी जनसंख्या में भीड़ जो है आ रही है। और अब आपको देखने को मिलेगा देवघर में भीड़ कि कैसा भीड़ है देवघर में। अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब जो है आपको पता चलने वाला है कि देवघर में जो है कितना भीड़ है। और इधर से हमको अभी डाउन जाना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर आप देखें नजारा सिर्फ जो है बम ही चल रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं किस प्रकार से बम सब सारा दिख रहा है। और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि उतरूं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं। देख सकते हैं काफी जो है बम यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देख सकते हैं पूरा जो है अच्छे से बम हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमें पूरा ध्यान रखना होगा बमों का, क्योंकि अगर यहाँ से स्लिप किए तो बहुत सारे बम को चोट भी लग सकता है। इसलिए मैं धीरे 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 गाड़ी को जो है मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि काफी है, काफी फिसलन है और बारिश भी हुआ है, स्लिप किया तो सीधे नीचे जाएंगे और उसके वजह से काफी जो है बम को भी चोटिल होना पड़ेगा। तो बाबा ऐसा जो है नौबत ना आए, मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ हर महादेव कि किसी को इस तरह मेरे वजह से किसी को नुकसान ना हो और मुझे भी ना हो बाबा। चलते हैं, काफी बारिश हुआ ना, थोड़ा सा स्लीप भी कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ भी ज्यादा आ रहा है और थोड़े से बम साइड से अगर दें तो शायद हमको निकलने में आसानी हो जाएगा। चलिए मैं अब आ चुका हूँ, किसी तरह मैं नीचे उतर चुका हूँ, थोड़ी सी और जगह है और ये हमारा जलेबिया पहाड़ है। हमें लगता है कि सबसे ऊंची पहाड़ जो है इस कवरिया पथ का यही है, जो कि पूरे जो है एकदम सीधा खड़ा है और इसमें चढ़ना बहुत ही मुश्किल इसलिए लगता है। और लगातार जो है बम जो इसमें चल रहे हैं, बम सब देख सकते हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बम जी, बुरा अल्लाह करे लेकिन उनके साउंड साइड रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है हेलमेट के अंदर माइक रखे हैं तो शीशा भी ऑफ है, तो इसलिए बाहरी साउंड जो है आपको कम सुनाई देता होगा,
बाहरी साउंड अगर रहता तो दिक्कत होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बंद करके मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को। और बहुत सारा अभी शिविर लग भी रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं खगड़िया सेवा शिविर लगा हुआ है। मैंने इसको इस शिविर को ऑलरेडी पहले भी दिखा चुका हूँ, और बस आप जगह को याद रखिए कि कहाँ कहाँ शिविर है। और यहाँ पे जो है इस शिविर में आपको मतलब रात्रि को जो है बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह देखने को मिलेगा। अब आगे हम चलते हैं और आपको चलते हुए दिखाते जाते हैं। आप देख लीजिए भीड़ किस प्रकार से चल रहा है, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको दिखाते जाऊँ पूरा जो कवरिया पथ है, और बहुत मज़ेदार है। और थोड़ी देर और मैं चाहूँ कि मेरे बैटरी जो है बैकअप दे दें थोड़ी सी, ताकि मैं वो जो जगह पे जाके मैं रुकना चाहता हूँ वो जगह पे रुक जाऊँ, तो शायद मैं वहाँ पे मुझे सुविधा मिल जाएगा चार्जिंग वगैरह का और वीडियो अपलोडिंग के लिए भी। और मिलना भी है कुछ बम से, वहाँ पे जाके हम मिलेंगे भी। असम एक सेवा शिविर है, वहाँ पे हमको जाना है, वहाँ पे रुकना है। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे हमें लगता है लाल बाबा आश्रम है, उसी के बगल में जो जिलेबिया के पास ही शायद बताए हैं बम जी, तो वहाँ तक हमें जाना है। तो चलिए चलते हैं। दुकान तो पूरे रास्ता में आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बम जी लगा थोड़ा सा बम जी जगह दीजिए, और सारा जो है यहाँ पे काफी देख सकते हैं ना भीड़, लगातार जो भीड़ चल ही रहा है पूरे कवरिया पथ में। कहीं तो ऐसा नहीं है कि जो आपको खाली दिख रहा है, मुझे बहुत जगह खाली दिखता था, अब तो और वो भी नहीं दिखने रहा है। कहीं ना कहीं एकदम कवरिया मतलब एक दो नहीं ज्यादा से ज्यादा शहन संख्या में कवरिया बम दिख रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है हमको इस पथ पे चलने में, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिनेरियो जो है, उधर से फोटो क्लिक करने के लिए गए हैं कुछ, बहुत मजा आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बगल में होगा थोड़ा सा। और फाइनली हमको यहाँ पे ही जिलेबिया के पास ही रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आगे जो है प्रशासन जाने नहीं दिया है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हर हर महादेव।